हाय बच्चों, दिस इज डॉक्टर वाणी येट अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। फिजिक्स की प्रॉब्लम हमने मिलके सॉल्व कर ली, बायो में 360 की प्रॉब्लम हमने मिलके सॉल्व कर ली, तो कैसे पीछे रहे केमिस्ट्री की प्रॉब्लम के साथ। तो हाउ डू यू स्कोर 150 प्लस इन केमिस्ट्री? अगर ऐसी स्टडी स्ट्रेटजी आपको मिल जाए जिसकी वजह से आपके 150 प्लस केमिस्ट्री में आ जाए, तो मैं पर्सनली इस बात की गारंटी लेती हूं कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। पर कैसे क्या किया जाए? केमिस्ट्री के तीन भाग हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कहीं ना कहीं सारे बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम रह ही जाती है व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, और याद ही नहीं रहती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या किया जाए? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर गुड न्यूज ये है बच्चों कि पिछले 10 साल के अगर आप सारे पेपर्स एनालाइज करो, आपको एक भी क्वेश्चन, एंड आई रिपीट इट, आपको एक भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाहर जो है एनसीईआरटी के बाहर नहीं मिलेगा। सो जस्ट लाइक बायोलॉजी, एनसीईआरटी बिकम्स लाइक योर सुपर कूल बुक। और रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप उनको समझ लीजिए एक बार और आपने फिजिक्स की तरह उनको प्रैक्टिस कर दिया, और वो भी सिर्फ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर दी, आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। सो 150 प्लस स्कोर करने के लिए एक करेक्ट अप्रोच होना बहुत जरूरी है। लेट अस सी हमारी वो करेक्ट अप्रोच हम कैसे डेवलप करते हैं। सी, आपकी जो स्पीड है वो होना बहुत जरूरी है ताकि आपको वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम फिजिक्स में मिल जाए। और वो स्पीड आपको कैसे मिलेगी? आपको जल्दी से सॉल्विंग करनी है। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्विंग काफी कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो आ जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री तो बेटा सिर्फ डिपेंड करती है आपने कितनी सॉल्विंग करी है। जितनी आपकी सॉल्विंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर आप दे रहे हो, आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि कोने कोने से क्वेश्चंस आते हैं, पर आते वही घिसे पिटे पुराने टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिकॉज उतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उतनी ही रिएक्शंस हैं, उतनी ही चीजें हैं जिनसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। बट यू नीड टू बी वेरी थरो विच ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को आपको बड़े शिद्दत से, ईमानदारी से याद करना है, जिसके लिए मैं आपको एक टोटल ब्लॉकबस्टर चीज बताती हूँ। आपको हर एक पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी को बहुत क्रिस्प छोटे नोट्स में बनाना है। आपकी जो इनऑर्गेनिक की पूरी एनसीईआरटी, अगर आप उसको 3 to 4 पेजेस पर यूनिट टाइप, अगर आपके टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो आपके 10 से 13-14 पेजेस में कवर हो गए, यू आर सॉर्टेड। बट एवरी वर्ड हैज टू बी रिटन डाउन। जो एंड के चैप्टर्स है ना, जहां पे बच्चे हमेशा लूज करते हैं मार्क्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरी डायरेक्ट, सोचते हैं तो इतने, यही से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इनसे 4 to 6 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में जरूर आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का सिर्फ एक तोड़ है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। आपकी जितनी स्पीड इंप्रूव होगी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतना आपका टाइम बचेगा, या तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में दीजिए या फिजिक्स में दीजिए। दैट मींस बच्चे पूछते हैं मैम कितने घंटे पढ़ना है, आई ऑलवेज से दैट इज नॉट द राइट वे टू मेजर इट। आपको 70 to 100 क्वेश्चन पर चैप्टर करने हैं। रिवाइज कीजिए अपने लेक्चर के नोट्स और फिर अपने कोचिंग के मॉड्यूल से ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आपने एमसीक्यू सॉल्व करने। एन अवस्थी एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़कर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एन अवस्थी के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसमें बहुत अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है, जेई के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एम्स और नीट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है, एंड मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आप इवेलुएट कर सको कि एग्जैक्टली आप कहां पर हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी मर्जी बार कर लो, फिर कुछ भूल जाता है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। यस एवरीबॉडी, एंड तक पहुंच जाओगे, क्वेश्चन में पता चलेगा अरे यार ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहां आते हैं। सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स को समझिए। जब आपको एक बार सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद ही क्वेश्चंस की तरफ जाइए। अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेल सो दैट यू कैन गेस द मैकेनिज्म, सेव द टाइम एंड डू वेल इन द एग्जामिनेशन। इनऑर्गेनिक को मेमोराइजेशन चाहिए, इनऑर्गेनिक को रिटेंशन चाहिए। ये तभी होगा जब आप 10 से 15 बार पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, हर 10-12 दिन बाद एक रिविजन साइकिल कर रहे हो। 5 या 6 बार आपको मिनिमम एनसीईआरटी करनी है,
कोचिंग नोट्स भी मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा है, आप 5 से 6 बार कम से कम एनसीईआरटी कीजिए, हर 10-12 दिन बाद, 2 हफ्ते हुए नहीं 12-14 दिन रिवाइज कीजिए, राइट, बैक क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी जरूर कीजिए, इनऑर्गेनिक भूलती है, रिटेंशन चाहिए, निमोनिक्स बनाइए, नोट्स बनाइए, कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस सारे सॉल्व कीजिए, जेईई एम्स नीट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए और भर भर के मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। अगर मैंने आपको इंडिविजुअल चीजें बताई है गाइज, एज अ बायो टीचर इंडिविजुअल चीजें बताई है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड जो आपको केमिस्ट्री में 150 प्लस लाने से रोक सकती है। और अगर आपके केमिस्ट्री में 150 प्लस आ गए और जो फिजिक्स का लेक्चर मैंने आपको शेयर किया है वो कर लीजिए, बायो में तो 360 लाना वाणी मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके 100% मैं लेकर आऊंगी, देन नोबडी कैन स्टॉप यू कि आप एम्स तक जरूर जाओगे, वो भी विदाउट एनी कोचिंग या लाखों रुपए खर्चे बिना, सिर्फ अगर आप ये चीजों को अच्छे से मन लगाकर फॉलो करते हो। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइज, बाय बाय गाइज।